हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना अप्लाइड मैथ्स का यूनिट नंबर 1 इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अब आज से अपना जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज एकदम अच्छे से समझना है ना। और अच्छे से एकदम चीज को समझोगे तो बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन जो भी इंटीग्रेशन के वो बनेंगे। ठीक है, तो अपना यूनिट नंबर 1 जो है वह है इंटीग्रेशन। अब बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने बोर्ड पे ना कुछ बातें लिखी हुई है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन इज एन एक्ट, इंटीग्रेशन एक एक्ट है ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, जो एक साथ लेके आता है। अब सवाल उठता है किसको लेके आता है, स्मॉलर कंपोनेंट इनटू द सिंगल सिस्टम। बोलता है कि बहुत सारे अगर स्मॉलर कंपोनेंट्स रहेंगे होंगे तो उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, एक सिंगल कंपोनेंट में या सिंगल सिस्टम बना देंगे। अब तुम खुद सोचो कि जब बहुत छोटा छोटा कंपोनेंट्स रहेगा और उसको अगर तुमको सिंगल सिस्टम में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचो तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो इस सीधा सीधा बात करता है कि इंटीग्रेशन क्या है, एक टाइप का समेशन है। हमारे ठीक। तो अब हम क्या बोलते हैं मेरे तरफ से कि जो अप्लाइड मैथ है उसमें फिलहाल इनका काम नहीं है। ये है तो इंटीग्रेशन, इसको कहते तो है लेकिन इसका काम अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन हाँ आगे है पढ़ना, अभी नहीं है। अब दूसरा बात, ये बात समझ में आया कि जब बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट को अगर हम लोग जोड़ दें तभी ना जाके सिंगल सिस्टम बनेगा। तब बोलता है कि सिंगल सॉरी स्मॉलर कंपोनेंट्स को एक साथ अगर लेके बनाते हैं सिंगल सिस्टम तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब ये तो तभी हो सकता है जब सम होगा। तो इसका शॉर्ट में एक लाइन बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब हो गया है समेशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अब सुने, अब गणित क्या बोल रहा है, पिछले क्लास में भी थोड़ा सा बताए थे, आज एकदम ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गणित क्या बोल रहे सो सुनना। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वह रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। ये मैथ्स के लैंग्वेज में बात हो गई। ठीक है कि इंटीग्रेशन किसका प्रोसेस है ना, तो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। पूरी बात क्लियर। अब आओ इसको देखते हैं। अब जान रहे हो यही चीज को ये चीज अंग्रेजी में समझाया है, ये कुछ नहीं है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब वो अंग्रेजी देखना इसका है ना, अच्छे से बात को समझने की कोशिश करना। सुनना क्या बोला है। बोलता है कि सपोज वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सुनना, जैसे कि y इज इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं कि साइन x है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा इसका, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो cos x। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव है, तो साइन x का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो साइन x का डेरिवेटिव है। तो क्या बोलता है सो सुनना, सपोज वी हैव गिवेन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। मतलब बोलता है कि सपोज कि तुमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब कि ई दिया हुआ है cos x। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज, ये वाला दिया हुआ है किसका डेरिवेटिव। अब सुनना, एंड हैव टू फाइंड ओरिजिनल फंक्शन, और तुमको निकालना है कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है, मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन निकालना है ना, मतलब कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये चीज तुमको निकालना है। ठीक है, द प्रोसेस अप्लाइड टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन,
जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे ओरिजिनल फंक्शन निकालने के लिए, सही है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आएगा, अच्छा समझ, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तुमको दिया हुआ है, ये किसका डेरिवेटिव है ये चीज जानने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। बच्चा बोल रहा है क्या सर, क्या मतलब, बात क्या है, सीधा सीधा बात बताइए कि क्या है। तो अब क्या बात है, सुनना एकदम अच्छे से सुनना। मान लो कि दिया हुआ है y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है fx + c। मान लो y इज इक्वल टू fx + c दिया हुआ है, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy/dx, और इसका डिफरेंशिएशन मान लेते हैं कि कैपिटल fx है, स्मॉल f(x) का कैपिटल f(x) और कॉन्स्टेंट का 0, तो इसको हटा देते हैं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। अब क्या बोलता है इंटीग्रेशन, कि मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तुमको दिया हुआ है, मतलब ये चीज दिया हुआ है, ठीक, और तुमको बताना है कि ये किसका डेरिवेटिव है, मतलब कि इसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, ये चीज जानने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बात हुआ कि अगर इस fx को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, fx + c। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये चीज जानने के लिए हम लोग इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। यही ना बोला गया था कि अगर किसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है और ये किसका डेरिवेटिव है, ये चीज जानने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। पर बात क्लियर है, ये तो हो गया बेसिक बात, ठीक है। अब तुम लोग को याद होगा एक बात कि पिछले क्लास में हम बोल के गए थे कि एक टर्म है जिसका नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट। कई बच्चे खोजे भी होंगे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, कई बच्चों ने सोचा होगा कि सर तो बता ही देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है कि नहीं है बात। चले अब एक बात और समझने की कोशिश करें कि जहां तक छोड़ के गया गया था कहां पे गए थे हम लोग, आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर। अब बच्चा एकदम जानने के लिए सोच रहा था कि आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, तो हम, मेरा भी था भाई कि ऐसे हो कि बच्चा को तो अच्छे से समझ में आ जाए, तो हम क्या किए, सो सुनना, हम एक ना बात को सिखाने की कोशिश की, वो बात क्या है सो सुनना, नोट डाउन कर लीजिएगा सब। अच्छा एक ऐसी, अभी कुछ सीखते हैं है ना, कुछ सीखते हैं हम, ऑटोमेटिक तुमको बात समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, बोल y इज इक्वल टू x, ठीक, तो इसका dy/dx कितना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, 1। बात समझना, अच्छा अब सुनना, 1 किसका डिफरेंशिएशन है, 1 किसका डिफरेंशिएशन है, तो x का है, तो ये चीज जानने के लिए हम 1 के साथ क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेट, तो 1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाना चाहिए, एक्स आ जाने चाहिए, नहीं है। अच्छा और सोच कि अगर यही होता x + 10, तब इसका dy/dx क्या बनता है,
टेन का जीरो, दिखते कि नहीं दिखते? अच्छा अब सोचना, अगर इस वाले को देखो, इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को देखो। अच्छा ये किसका डिफरेंशिएशन है भाई? ये चीज जानने के लिए हमको क्या कर देना था, इंटीग्रेशन कर देना था कि नहीं कर देना था, बोलो तो। तो देखो इस वन का हम इंटीग्रेशन कर दिए, छोड़ो भूल जाओ इसको, इसको देखो इस वन को हम क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए। तो क्या आना चाहिए, एक्स प्लस टेन आना चाहिए। अब एक बात तो तुम लोग जानते हो, एग्जाम में देगा तो नहीं है कि भाई इसका ये फंक्शन तो इसका डिफरेंशिएशन तो इसका इंटीग्रेशन करके फिर वही वाला लिख देगा, वो तो देगा नहीं। वो का देगा सुसीना, वो देगा कि बोलो वन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो तुम क्या लिखोगे, ई लिखोगे, ई वाला सही है। अगर तुम ई वाला लिखते हो एक्स प्लस टेन तो इसको खराब लगेगा, और इसको लिखोगे तो इसको खराब लगेगा। तो हम ना दिमाग लगा दिए, हम क्या कर दिए कि लिख दिए एक्स प्लस सी। ठीक, अब सुनना, ये सोच रहा है ना कि हम लिखा ले, तो ये तो अपने आप के क्या समझता है, कॉन्स्टेंट समझता है। तो ये सोच रहा है कि हम लिखा ले सी, और यहां पर समझो तो एक तरीके से जीरो है, ये भी खुश है कि हमू लगता है लिखा ले। बात समझ में आ रहा है? तो सोचना कॉन्स्टेंट नहीं है, है तो कॉन्स्टेंट ही, लेकिन इसका नाम है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। अब बात समझना, सोचना अच्छे से। हम अपने मन से वो नंबर लिखे हैं आठ, आठ क्या चीज है, आठ क्या चीज है? अगर हम तुमको बोले कि बोलो इनका है, तो सब बच्चा तो आठ ही ना सोचेगा जी, सोचेगा कि नहीं? अच्छा अब हम कहते हैं कि ये है सी, सी मतलब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब पूर्ण नंबर होगा। अब जरूरी है कि तुम जो सोच रहे हो नंबर वा, वही नंबर वा हम भी सोच रहे हैं। हो सकता है ना कि तुम दस सोच रहे होगे, तुम्हारे मन में सी है ना, ये तो सी तो कॉन्स्टेंट। हम बोले ना अभी हम जैसे हैं ऑनलाइन, अभी हम बोले ना कि चलो सी का कुछ नंबर लिखो, है ना, सी बोले कि कॉन्स्टेंट है, तुम लोग लिखो कॉपी में कोई नंबर, हाँ, तो सब सी आगे लिखोगे, कौन दस लिखेगा, कौन माइनस चार लिखेगा, कौन माइनस दस लिखेगा, लेकिन लिखेगा तो एक के ऊपर नंबर वा, नहीं समझ में आया। देखो अगर हम बोले कि आठ है तो ये कॉन्स्टेंट है, तो हम लेना कि चलो नंबर लिखो इसके जगह पे कुछ, तो कुछ क्या लिखोगे, तो आठ है तो आठ में लिखोगे, लेकिन ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। हम बोले इसके सामने कुछ नंबर लिखो, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो नंबर लिखो, तो कौन आठ लिखता है, कौन दस लिखता है, कौन बारह लिखता है। सुनना अच्छे से, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के बारे में, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, दस भी, चौदह भी, पंद्रह भी, अठारह भी, लेकिन होगा तो बस एक ही नंबर होगा। वेरिएबल क्या होता था, सुनना, वेरिएबल वेरिएबल था कि वो कुछ भी हो सकता था, बदलते रहता था वेरिएबल, हम उसको कुछ भी ले सकते हैं, दो भी, तीन भी, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट आठ है, दस है, तो वो आठ रहेगा या दस रहेगा, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है कि वो हो कुछ भी सकता है, लेकिन होगा वो नंबर ही एक, एक ही नंबर होगा। जैसे एक बार तुम इस कहानी में, इस सवाल में अगर तुम सोच लिए कि सी इज इक्वल टू एट है, या तुम सोच लिए कि सी इज इक्वल टू पंद्रह है, तो अब वो तुम्हारे लिए पंद्रह ही रहेगा। हम सोच गए कि हम सी को बारह समझ रहे हैं, तो अब वो मेरे लिए क्या रहेगा, बारह ही रहेगा। यही है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, बोली बात क्लियर है? तो ये बात हो गया आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के ऊपर चर्चा। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ कि इंटीग्रेशन में क्या है क्या नहीं है, ये तुमको तुरंत समझ में आ गया होगा। अब देख कैसे तुमको समझ में आया, ठीक है? अब सुनना, अगर हम तुमसे बोले ऐसी ही एग्जाम्पल एक समझा रहे हो, और यकीन मानो तुम्हारे आंसर जानते हो, और तुमको ये अब जो बता रहे ना सारा फॉर्मूला याद जाएगा, देखना। सबसे पहले छोटा नहीं लेगा, एक सिर्फ छोटा छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं अपनी तरफ से। हम पूछ रहे बोलो इसका
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम तुमसे बोले कि बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एगो होशियार बच्चा था उनका सोच लिया कि हम पूछे हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होशियार बच्चा का सोचा कि सर पूछ रहे हैं ना कि किसका डिफरेंशिएशन है, बात समझ में आ गया, हम पूछे कि इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, तो होशियार बच्चा का सोच लिया इतना देर पढ़ा था तो सोच लिया कि वो लगता है सर पूछ रहे ना कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो बोले किसका डिफरेंशिएशन है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है कि नहीं, तो इसका आंसर हो गया टेन इनवर्स एक्स। और प्लस सी हम ये सब लगा दिला है काहे कि ये हो सकता था ना, मैं फिर से इसको सोच रहे हम इसको सोच रहे देखना, अगर टेन इनवर्स एक्स और प्लस एट होता तो भी इसका डिफरेंशिएशन वहां यही ना होता, अब अगर बारह होता तो भी तो इसका डिफरेंशिएशन वहां यही होता। अब इंटीग्रेशन क्या होता है कि किसी का डेरिवेटिव दिया रहता है और तुमको बताना होता है कि उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या है, तो हमको तो नहीं ना मालूम है कि 12 है कि 10 है, तो कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सी बैठा दिए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, बस नहीं आया। अच्छा अगर तुम हमसे याद है तो अब की बार एक बार और ट्राई करना, एक बार और उसका सब फॉर्मूला हम दिखा देंगे, सुनना, sec x tan x dx बोले तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब बच्चा सोच रहा है ना कि लगता है सर फिर पूछ रहे हैं ना कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो किसका डिफरेंशिएशन है याद करना, तो sec x का डिफरेंशिएशन यह ना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x प्लस c हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में किया इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट, बात समझ में आ गया। अब अगर तुम लोगों से याद होना तो तुमको इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा, ठीक। अब हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, कैसे अब बनाते हैं ये बात अब हम सोच रहे हैं, टेंशन नहीं लो, ये हम लोग सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, अब हम समझाएंगे और क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। अब ये हम फॉर्मूला रखवाने का एकदम एकदम जुगाड़ नहीं करेंगे, फॉर्मूला एकदम नहीं रखवाएंगे, ठीक है, तुम लोग सिर्फ दिमाग लगाना और फॉर्मूला बना देना, ठीक है। अच्छा एक बात पूछते हैं, तुम लोग खाली बताना कि ऐसे सोचो कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर, समझना कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना बस, और प्लस C. एक फंक्शन है, तब बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डीवाई बाई डी एक्स टू एक्स होगा कि नहीं। अच्छा बोले तो टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये चीज जानने के लिए हम लोग टू एक्स के साथ क्या चीज कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, 2x dx, तो 2x dx को कर देंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस c, कंफ्यूजन नहीं होना, यही पे एक नया चीज सीखेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा तो ये कौची है, तो ये कांस्टेंट है, आर्बिट्री नहीं, ये कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट, और ये क्या x है, तो इसको हम इसे बाहर से निकाल दे और ये लिख दिए x स्क्वायर प्लस c। अच्छा अगर तुम लोग ईमानदार हो तो एक बात बताना, ये एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको और में लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू इसके साथ, ऐसे लिख दो तुम लोगों को ज्यादा अच्छा समझ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम देखना है एक बात अच्छा से, ये एक्स डी एक्स लिखे हैं इसको अलग अलग कर सकते हैं और इसको अलग अलग लिख सकते हैं, पक्का बात, तो देखो तो ये x dx है, इसको लिखेंगे x स्क्वायर बाई टू, सिर्फ समझना है, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, लॉजिक सिर्फ समझा रहा हूं। अच्छा अब देखो तो ये c का है, वो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, अब भागा दो
तो वो ऊपर वाला भी वो कांस्टेंट है आर्बिट्री, और दू तो प्योर कांस्टेंट है ये है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का भागा का आएगा, तो कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लिख दें कि चलो भाई ये सी डैश हो गया। अरे ये कांस्टेंट था और कांस्टेंट में से कांस्टेंट भागा दिए तो वो नया कांस्टेंट नहीं आ गया। अरे ये भी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही ना होगा, और उसमें से दो भागा कर दिए तो वो नया कांस्टेंट बन गया। तो एक्स डी एक्स का क्या आंसर आया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू और प्लस सी आया कि नहीं, ठीक लिखते जाना है ना। अगर बेसिक स्ट्रांग रह गया ना तो फिर कोई फॉर्मूला का रटने का कोई सवाल ही नहीं है, सब सवाल हो जाएगा। सिर्फ तुमको हम एक बात सिखा रहे हैं, यही से लॉजिक भी बता देंगे। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ गया, सुनना, ये एक्स क्यूब प्लस थ्री सॉरी एक्स क्यूब प्लस सी, अब बोलो तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, तब बोलो तो ये थ्री एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो वो चीज जानने के लिए इसको इंटीग्रेट नहीं कर देंगे, तब बोलो तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो तो फिर से वही वाला बात हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स ये तीन एक्स क्यूब प्लस सी, देखो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स क्यूब बटा तीन अब प्लस सी डैश, देखो नया नहीं हो जाएगा सी बाई थ्री, और कॉन्स्टेंट भागा कॉन्स्टेंट देखो नया कॉन्स्टेंट आया कि नहीं आया, तो देखो ये भी एगो आ गया एगो ये भी आ गया आखिर में। अब क्या हुआ कि अब देखो बात समझ में आया आपको, हम बोले का चीज समझ में आया, तो बच्चा देखो कितना होशियार बच्चा है, तुरंत तब पकड़ लेगा क्या हो गया है, कोई फॉर्मूला नहीं रटा रहा, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं, देख एकदम गौर करना अच्छे से, एक्स स्क्वायर का ये है एक्स का ये है, देखना एकदम इसका पावर कितना है वन है, ठीक तो इसका आंसर सुनना एक ज्यादा और जो यहां पर है वही नीचे है कि नहीं, सुनना एक ज्यादा और जो यहां पर ये वही नीचे एक ज्यादा, यहां एक ज्यादा और जो यहां पर ये वही नीचे, तो लॉजिकली सुन हम एक नया फॉर्मूला बना दिए, सोचना एक्स का पावर एन डी एक्स, तो बोल तो इसका क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं सुनना एक था तो ये दो हो गया, ये दो है तो ये तीन हो गया, तो ये एन है तो ये एन प्लस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो ये दो तो ये तीन आंसर में, ये एक तो ये दो तो ये एन तो ये एन प्लस वन नहीं हो जाएगा। अब बेटा में सुनना ये दो तो ये तीन, ये एक तो ये दो तो ये एन, तो नीचे में एन प्लस वन लिख देंगे, अब प्लस में कांस्टेंट तो है ही है सब में, अब हम सी डैश नहीं लिख करके डायरेक्ट सी लिखेंगे, बात समझ में आ गया। अरे कांस्टेंट तो कुछ भी लिख सकते हैं फिलहाल हम लोग, तो हम सी डैश के नाम से उसको पहले जान लेते हैं, सी के नाम से जानेंगे नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला धोखा दे गया, ये फॉर्मूला धोखा दे गया, हम बोले काहे ही धोखा दे गया, लॉजिक समझ में आ गया ना जी, अब सुनना ये फॉर्मूला कहां पे धोखा दे गया सो समझना, इसको ड्रॉप कर देते हैं ना, ये सब ये वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जनता कहां धोखा दे गया, जब मेरे मन में आया कि n इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं, n इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं तो मैं धोखा दे जाएगा, तो बोला हाँ दे जाएंगे, तो बोले कैसे दे जाएगा, तो देखना माइनस वन एन के जगह माइनस वन लिखते हैं है ना, अब सुन जाएगा एक्स का पावर माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस सी, तो ई वाला का आ गया जीरो आ गया, तो धोखा दे गया नहीं फॉर्मूला, क्योंकि देखो नीचे वाला जो जीरो आ गया तो पूरा इनफाइनाइट ना हो गया जी, अनडिफाइंड टाइप का हो गया एक बटा जीरो, तो अब का हुआ, तो हम सोचे ना कि ऐसे कैसे हो गया भाई,
तो फिर मैं इसको और एक बार और अच्छा से समझने की कोशिश की, सुनना कैसे समझे कि लिखा हुआ है x का पावर माइनस वन, क्योंकि n इक्वल टू माइनस वन हमने लिया है dx। तो एक क्लास में ना समझदार बच्चा था, वो क्या बोला कि ओ ना सर एक ऐसे लिखे तो वो लड़का ना ऐसे समझ गया कि बटा x। अब सोच कि वन बटा x, अब सोच कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये चीज के लिए हम बताएं ना कि पता कर लो कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो बोल वन बाई एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो लॉग एक्स का है कि नहीं है। तो पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल अभी इसको देखते हैं, है ना, वन बटा एक्स लॉग एक्स का है। बोलो बात क्लियर है, याद करना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इस फॉर्मूला पर नहीं होगा, इतना हम तो जान गए हैं। अब क्या होगा कैसे होगा ये भी देखेंगे, लेकिन इतना पर तो इस पर तो सूट नहीं करेगा। हम बोले ठीक बात, तो हम बोले कि ठीक है सर समझ लेना इसको रफ कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे लिए बन के तैयार हो गया कि भाई ऐसा होता है, लेकिन याद क्या रखना है n नॉट इक्वल टू माइनस वन, सब कुछ होना चाहिए n माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक बात। अब दो चार को सवाल कर लेते हैं, बोलो x का पावर अगर 8 है तो आंसर क्या होगा, तो देखना n तो n प्लस वन बटा में n प्लस वन, तो 8, तो x 8 प्लस वन, 8 प्लस वन प्लस सी होगा। अच्छा तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, x 9 बाई 9 प्लस सी। जैसे मान लो सवाल दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस 12 dx, x टू दी पावर माइनस 12 dx, तो क्या लिखोगे x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, सॉरी माइनस 12 प्लस वन, माइनस 12 प्लस वन और प्लस सी, बोलो कितना हो जाएगा। तो x टू दी पावर माइनस 11 बटे माइनस 11 प्लस सी, लिख सकते हैं ना जी। अच्छा सोचो कि दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x इज इक्वल टू 5 बाई 2 प्लस 1, 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक। तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो तो x टू दी पावर 5 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है 7 बाई 2, यहां भी 7 बाई 2 प्लस सी, बोलो क्लियर है। ये छोटा सा टर्म था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे अब सीखते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छे से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, स्टार्टिंग में हड़बड़ाना नहीं है। अगर तुम बेसिक बात समझ गए सही है तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम ढंग से, सही है। तो ऐसा नहीं कि एकदम गणित है तो गणित का मतलब ये नहीं है कि आए और सीधे बनाना क्वेश्चन सवाल बताइए काम हो गया, नहीं, पहले बात को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर तुम लोग, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देख तुम लोग अपने से सोचना, सोचना तो sec स्क्वायर x dx, बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा आंसर। तो जब तुम इससे पूछे ना कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम सोच लेना ना कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो बोलो तो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था, तो भाई टेन एक्स का था, चलो ना टेन एक्स और प्लस सी काम खत्म। बोलो बात क्लियर है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, घर में रहें अच्छे से रहें, ठीक है। निकलने का बाहर कोई भी जरूरत नहीं है, अभी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है जब घर पे, तो घर से ही आराम से पढ़ें, ठीक है। चलिए थैंक यू।